मतलब पेपर अवे क्यूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत प्यार मिल रहा है इसको ना। मेरा ही बिल्ली लगा है। एक्सट्रीम पंच फेस। बहुत क्यूट है। सर्टिफिकेट है। एज क्या होगा? 1 ईयर। बहुत क्यूट है। पांडू का नाम है। माइक्रोचिप है। दिस इज अ पायलट। बहुत क्यूट है। ये आपकी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल, ट्रेलर और थंबनेल में देख लिया है, मैं आज आ गया हूँ कैट शो में, जो कि अलीपुर में हो रहा है। एंड बाकी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज क्या क्या होता है वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर से आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास ही बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। मैं अभी यहाँ पे ऑडिटोरियम में पहुँच गया, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे इतने सारे सीट है। एंड मैंने यहाँ पे पता किया तो उन लोगों ने कहा कि पेट शो जो यहाँ नहीं हो रहा है, अंदर हो रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी देखते कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो ओके, लेट्स गो। पार्टिसिपेट किए थे क्या आप लोग भी? एक बार इसको दिखाइए ना थोड़ा सा। क्या नाम है इसका? क्वीन। क्वीन, हे क्वीन। तो क्वीन पार्टिसिपेट की नहीं की? ओके, थैंक यू। सर्वर इशू था जिसके वजह से नहीं हो पाया। अच्छा, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, देख सकते आप लोग। कैट शो का टिकट। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा ओके, तो ये मतलब थंब है। छोड़ ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा अच्छा। मेरा ही बिल्ली लग रहा है। एग्जीबिटर नंबर 48, 38, 63, 46, 50, 56, 40, 42, 44. Please bring your cat at ring number 1. I repeat, exhibitor number 42, 40, 54, 56, 50, 46, 63, 38, 48. For classic long hair, please bring your cat at ring number 1. क्या नाम है भाई इसका? Coco. Coco. Hey Coco. Coco the cat. ये कौन सी ब्रीड है भाई? Nebulan. Nebulan? Yes. Okay. Nebulan ब्रीड है, right? कितने शांत है ये। कौन सी ब्रीड है? कौन सी ब्रीड? क्लासिक लॉन्ग है। कॉमनली कॉल देम पर्शियन डॉल फेस। पर्शियन डॉल फेस। और मैम इसका एज क्या होगा? 5 months। उधर देख रही है। He's very friendly, right? ফটো আই উই হ্যাভ টু ক্যাট আরেকটা ভিজিটর আছে যেটা মিটু দ্য ওয়ান দ্য ওল্ডেস্ট ওয়ান শি ইজ আপ টু কালিকো মিক্স ওর ক্যাট ই সরি আই হ্যাভ টু গো ইয়া শিওর হাই বলো ইয়া
ये कौन सी ब्रीड है? पर्शियन और मेन मिक्स है। अच्छा, मेरा फोन सर के पास है, थोड़ा सा इसका फेस दिख गया। इधर 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 क्या नाम है इसका? वो ओनर है। अच्छा, सॉरी सॉरी। ये कौन सी पर्शियन कैट है? एग्जीबिट नंबर 40, 42 and 44। नेम क्या है? प्लीज सेलेक्ट योर कैट। ओके, बहुत क्यूट है और बहुत शांत भी है। और इसका एज क्या होगा? 2 years। ओके, एग्जीबिट नंबर 71। सारे केज में एग्जीबिट नंबर 52 सब अलग अलग टाइप के। 58 इसके अंदर भी है। बट यार बहुत दूर से देख नहीं पाएंगे, देखते हैं इफ कोई निकालता है तो। Hey, hi. The owner of exhibit number 40, 42 and 44. Please select the item name number 1. I repeat the numbers, exhibit number 40, 42 and 40. ये कौन सी ब्रीड है? पर्शियन कैट। थोड़ा सा एक बार इसको दिखाइए ना, इसका एज क्या होगा? 1 year। कितनी शांत है सभी कैट यहाँ पर, बहुत शांत है। सो गाइज, आई फाउंड श्रेया मैम इन अलीपुर कैट शो। सो हाय मैम। और ये कौन सी पर्शियन कैट है आपकी? ये पर्शियन मेल है, 5 फेस में। अच्छा। ये भी ट्रिपल कोट का है। अच्छा। ये एडल्ट मेल है आपका। अच्छा। 2 साल एज है उसका। बहुत ही ज्यादा क्यूट है। नाम भी मेरा बहुत, उसका नाम भी बहुत क्यूट है, पांतुआ नाम है। पांतुआ। हाँ। ओके, बहुत स्वीट एंड क्यूट है, इसलिए हमने इसीलिए इसका नाम रख दिया अपने पांतुआ। और घर पे और है कि उसका नाम रसोगुल्ला। रसोगुल्ला माने 100 भी मिस्ट्री नाम दे के मिस्ट्री नाम दे जमन मिस्ट्री देखते थे। नाइस।
सो पांतुआ ने आज कुछ जीता? नहीं जीता नहीं आज, पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना, नेक्स्ट होगा, क्या बोलते हैं पांतुआ? हाँ डेफिनेटली पांतुआ, पार्टिसिपेशन मस्ट होना चाहिए, मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपका ये है और भी कैट्स आई थी, बहुत सारा कैट है, सोच लीजिए मेरा ही नंबर था 129, उससे भी ज्यादा है, आप सोच रहे हैं 150-200 कैट पार्टिसिपेट किया, वो फर्स्ट सेकंड होगा, तो सब में तो सबको नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे सर्टिफिकेट जो मिल जाए, ठीक है, ये आपका माइक्रोचिप है, AFCI के तरफ से मेरा सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें माइक्रोचिप है पांतुआ के लिए, ए में इंजेक्ट करके इंडिया से बाहर भी उसको लेके जा सकते हैं, मतलब अच्छा रहा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, जज भी बहुत अच्छा है, कुछ कुछ बारीकी में कुछ हम लोगों को तो सब मालूम नहीं है, तो लोग वो कौन सा कैसे आप नेक्स्ट शो में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या हम देखते हैं, ये सब गाइड किया है, सबसे अच्छी रखने का चीज एक केज आपका कैट के लिए, टॉयलेट इशू का जो ये है, हाँ टॉयलेट का लीटर का, जो लीटर का बॉक्स है, फूड आपका खुद का है, क्योंकि हर कैट तो अलग करते हैं ना, पानी का बोतल, एक उसका पानी का कटोरा, सब लोग ऑर्गेनाइज किया, सब लोग ऑर्गेनाइज किया, हाथ खुद ही कोई भी चूज करके आपका जो नंबर का टोकन है वहाँ पे लगा दी, बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज है, और टेम्परेचर अच्छा है, इसलिए उन लोगों का कोई गड़बड़ का चांस नहीं है, कुछ भी हाइपर हो जाने के चांस नहीं है, ओके थैंक यू सो मच मैम, आपने लाइक दिया हमें थोड़ा टाइम, ओके ओके, दिस इज द फाइनल कॉल, एग्जीक्यूटर नंबर 75 757. चिकन खिला रहे इसको, खड़े हो, इधर इधर, गुड बॉय, चिकन खत्म, वो भी है, ये आपकी इंडियन है, इधर इधर ये इधर से देख रही है, ये शायद इंडियन ब्रीड है, राइट, वाह, नाम क्या है इसका? इम्मी, वाह, ओके, हे इम्मी, और इम्मी का एज क्या है? 2 इयर्स एज है, इम्मी एकदम चुपचाप से शांत बैठी है, नया जगह है ना, हाँ नया जगह है, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय इम्मी, क्या हो गया देखिए, क्या हो गया उसको, टायर्ड हो गया पूरा, ये वहां पे हो रहा है क्या नाम है इसका? किटू, हे किटू, और किटू का एज क्या होगा भैया? 1 year 11 months हुआ अभी, अच्छा, इसका नाम भी है वैसे ही है किटू, किटू किटू भी बहुत क्यूट है, किटू क्यूटू, हाय
छोटी सी ना इसलिए इसने प्यार मिल रहा है इसको। क्या नाम है इसका? अच्छा 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 क्या नाम है भैया इसका? रशियन है? नहीं, नेम आपने क्या रखा है? कुछ नाम नहीं रखा है। वो तो जो नया घर पे जाएगा उधर पे हम लोग आप लोग नाम रखिएगा तो हम क्या। अच्छा अच्छा ये तो अभी दो तो इसको प्राइज मिला है और इसको मिलेगा बंगाल को भी दो तो प्राइज मिला वो और प्राइज लाने गया है। This particular breed is Bengal. They are also called as designer cats. They were created humanly by breeding domestic cat and Asian leopard cat. Asian leopard cat को जब domestic करने का breed किया गया, selected breed. तो इसको क्या करें? कई साल के बाद एक बार इसका फेस दिखाइएगा। ओए ओए ये तो बस चढ़ने में लगा है। ओए 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 कहाँ जाएगा बाबू? इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये आपका है ना? ये एक बार बैठ मार चाहिए तुम्हारा आओ सर वाह। ओए 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 एक और आ गया एक और आ गया एक और आ गया। एक बार इसका फेस दिखाइए थोड़ा सा भैया। वाओ इसका नाम क्या? हासना। हासना 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 HASNA ओके। और हासना का एज क्या है? एज क्या होगा? एक साल का। पर्शियन कैटी है ये? पर्शियन कैलिको पंच फेस। पर्शियन कैलिको पंच फेस ओके। टेम्परेचर हुआ ना चेंज इसीलिए मे बी। नहीं ट्रैवल करके भी आए। ट्रैवल करके भी? कहाँ से आए आप लोग? झारखंड से आए हो? वाओ ये एक बार शो जीत चुकी है। वाओ टॉप 3 दिल्ली शो। दिल्ली में क्या नाम है? द चैंपियन क्या है? ब्लॉगिंग करते हैं क्या? हाँ Big one is calling to our Mr. Shara. Shara, please come to the big one. So, भैया के पास kitten breeder, kitten male breeder. ये कौन सा breed है? Light. Persian cat. Persian cat. Extreme punch face. Extreme punch face. Paper available. मतलब पेपर अवेलेबल है इसका राइट? इसका जो ब्रॉड लाइन जो है ना जी पेपर पूरा इसका एज क्या होगा भैया? इसका एज साढ़े आठ महीना।
सॉल पे पर आपको मिल जाएगा। ये नेबलुंग एंड बॉम्बे मिक्स है। क्या न्यूज क्या है ये? बॉम्बे एंड नेबरो मिक्स, बॉम्बे एंड नेबरो मिक्स है। बुरान में जाऊँ? पूरी जेट ब्लैक में मैं जाऊँ। क्या नाम है इसका? गुरैन। गुरैन मैं जाऊँ। मेरी बिल्ली है, दूसरे बिल्ली को लिया था ना, तो इसलिए वो বলছে কেন নিয়েছে ছাড়ো না। ঢাই সাল কি কারণ একটা টাইমের পর ফিমেল যখন লাইনে চলে আসে তখন ওটা আপনার নিজের মনে হবে যে ওকে কষ্ট হয় আমার রাখা হচ্ছে। তো আমি সেই কারণে যারা মানে শখের জন্য আপনাদের মতন কাস্টমারদেরকে আমরা এটাই প্রেসক্রাইব করি যে মেল রাখার জন্য। দেখুন এবার সেটা আপনার চয়েসে আসবে, আপনি বললেন যে না আমি মেল রাখবো না আমি ফিমেল রাখবো, তো সেখানে তো আমি তো আপনাকে মানে জোর করতে পারি না। আমার একটু শান্তই চাই, মানে আমার বেশি লাফালাফি। দেখুন শান্ত মেল ফিমেল হয়, এটা কোনো আলাদা ব্যাপার না যে মেল শান্ত হয় ফিমেল শান্ত হয় না, এরকম কোনো ব্যাপার। কিন্তু ফিমেলটাকে যারা শখ হিসেবে রাখে না তাদের, ওদের যখন সিজনের যখন টাইম আছে তারা তার অনেকে চায় না অনেকে করে, এটা হচ্ছে মেল। আমরা সাজেস্ট করি আমরা তার থেকে বললাম মেল রাখুন আপনি, আপনি বেকার কেন করতে যাবেন ওটা, ওইটার জন্য তো ওদের তো একটা শরীরে হ্যাম্পার হয় না, তো তার থেকে ভালো আপনার মেল রাখাটা। বড়িয়া বলে ভাই জো সহি হো তো বলনাই পড়েগা। করবে চারটে পেয়েছে, চারটে ইসকো ফোর প্রাইজ মিলে। দেখিয়ে কি বার করেছে কি হলো, ওই কে নাম ইসকা? ফাইটার। ও মাই গড, ফাইটার ফাইট করবি? ফাইট করেগা। থ্রি মান্থস কি হ্যায়? ইয়ে রেসকিউড হ্যায়। আচ্ছা হ্যায়, বহুত সারি রেসকিউ স্কেট। ইয়ে ইসকা এক্সিডেন্ট হুয়া থা না? নাম মনে মত দিয়ে। मेरी बिल्ली का भी यही हुआ था, टू लेग्स उसके मतलब एक का हो गया होगा, एम्पुट करना पड़ा। कैसे किए थे? मतलब कौन से डॉक्टर? डॉक्टर ठीक कर दिया था। हां ये तो देख, मैं डॉक्टर ठीक है, ये डॉक्टर मेरे को तो 50% चांस दिया था, बोला था ऑपरेशन के बाद मैं आपको 50% चांस देता हूं बिल्ली बचेगी कि नहीं। तो इसका भी वैसा ही हालत था, बट ये वही फाइट करके ये जीत के आई, इसीलिए इसका नाम फाइटर है। वाओ, इतनी सी उम्र में इसको इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। इसका नाम लुकैप रखा था, इसका अरेबिक में मतलब था फाइटर। जब तक अच्छा होगा तब तक करेंगे। इधर इधर हाँ बाबू, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? हंटर। ओके हे हंटर। ओह
भाई बहुत बदमाश है ना हंटर। कौन सा ब्रीड है भैया ये? बंगाल टाइगर। इससे पहले जो था वो भी बंगाल टाइगर था जो हमने वहाँ देखा। और एक यहाँ पर है, ये भी कितना क्यूट है। और एक बंगाल टाइगर। ये सब बच्चा अभी लीजिएगा तो पीएचसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्योंकि ये शो में उतर दिया। हाँ परसेंट क्या है ये? हाँ ब्लैक नहीं है। नहीं सर ब्लैक नहीं है मेरे पास अभी। तीन मेन कोड ना। प्राइस क्या होगा इसका? ऑलमोस्ट 15,000 से अप्रोक्सीमेटली। बहुत क्यूट। सो यू वांट दिस वन? लेट्स टेक देम ऑल। रेड ब्लैक चाहिए तो उसको 2-4 दिन टाइम देना पड़ेगा। जेड ब्लैक कितने का भैया? फीमेल कितना होता है? अप्रोक्स क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है फीमेल क्वालिटी जैसे आप लीजिए कौन सा आ गई है इस टू कम नो इस आर द टॉप 10 Number one, best question of the show. हाय कितनी शांत है छुट्टी। कितना काम? पोज़ दीच्छे सवादी के ताकी ताकी। हाँ सवादी के ताकी पोज़ दीच्छे। So guys, ये काउंसलर है। बंगाल टाइगर है भाई ऐसे नहीं है। मजा आ रहा है उसको। और उसी में मार दिया। आई चले आए। आ जाओ यम्मी। जरा जरा दिखाओ।
क्या नाम है इसका? यम्मी। के डाक लो के डाकटा ही भूलो लो। बुलाना गलत नहीं है। प्राइज जीत कर आई है। क्या नाम है इसका? यम्मी। भैया आपका क्या चाहिए? आपको टॉय भी दे रहा हूँ मैं। ठीक, टॉय कैट के लिए। और एक टा दिया छे। छोटा है क्या? छोटा है क्या छे? वो तो आछे दो लामियो खेलो। और भी है बंगाल कैट। थोड़ा यम्मी को देगा ना। वाओ सो यम्मी। ओके मिलेगा। यम्मी का एज क्या होगा? 4 मंथ। आप तो कौन सा फूड खिलाते हो मैम? बचपन से एकदम वो आता, जब से वो पैदा हुई तब से वो ऑर्डिंग था। मैनुअल पैलेट से ही आया तो मेरा फ्रेंच है। हम लोग फ्रेंचाइजी लिया है तो एनिमल पैलेट का। एनिमल फ्रेंचाइजी लिया है। अरे वाह। हम लोग का शॉप है। हाँ कहाँ पर? ठाकुर कुकुर में, बिहार ठाकुर। वाह बढ़िया यार। ये आप मेरा कार्ड रखिए, सिग्नेचर कैट फूड है ना। हाँ मैं पूरा पैन इंडिया देख रहा हूँ उसका ब्रीडर मैनेजर। क्या बात है। आपको कुछ फूड के रिगार्डिंग अगर आपको फूड चाहिएगा आप डेफिनेटली मेरा नंबर है यहाँ पर वरना मत आप। थोड़ा सा ये नहीं सर इस साइड। बस बस नहीं बैठेगी उधर ही फिर स्क्रीन। हाय ओए ये पकड़ रहा है इसको। किसी को चैन नहीं है। क्या नाम है इसका? होजी। और इसका एज क्या होगा? 6 मंथ एज हो रहा है। ए होजी। होजी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये थोड़ा सा दिखाइएगा इसको। ये कौन सी है? पर्शियन कैट है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पर्शियन कैट है ना।
क्या नाम है इसका? शेरा। हे शेरा, शेरा का एज क्या होगा? टू इयर्स हुआ है। थर्ड बेस्ट, वाओ, बहुत ही बढ़िया। इसका क्वालिटी भी अच्छा है भैया। थैंक यू सो मच भैया। स्वीटी, हे स्वीटी, एक्सोटिक शॉट यार, एक्सट्रीम पंच फेस, एक्सट्रीम पंच फेस, एक्सोटिक शॉट यार, एक्सोटिक शॉट यार, बहुत ही क्यूट। इसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है, थ्री कलर में। सो इट हैज एवरीथिंग इन इट। थैंक यू। ये वाला भी पंच फेस है। We opened a hospital for veterinary vets. It has everything. ये चैंपियन हुई है ना? ये बंगाल टाइगर है। नाम क्या रखा है इसका? भैया एक मिनट थोड़ा सा इसको दिखाइएगा। पर्शियन कैट है राइट? क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम है कोला। कोला, और कोला का एज क्या होगा? ये 4 months। 4 months की है। 4-5 months। 4-5 months में इसका साइज बहुत बढ़िया है। हाँ भैया बोलिए। ये एक्चुअली हेवी बोन है। हाँ, इसका फर, मतलब फर भी बहुत हेवी है। हाँ, थिक फर है। ये मेल है, मेल कैट, और सेमी पंच है, डॉल्फिन। यस, थैंक यू सो मच भैया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जम खाली नहीं मारे, खाली जम नहीं मारे। अच्छा फोटो आया, अच्छा फोटो। ये स्मॉल पर्शियन कैट है, बेबीज। बहुत मजबूरी में बहुत ज़्यादा इसको सेल करना पड़ेगा। तो इसी वजह से कि सेल करने में मतलब इसमें प्रॉब्लम होता है बहुत सारे, इसीलिए हम लोग। नहीं तो आप देखिए ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे है, वही तो बोल रहे हैं। बहुत एक्टिव है ये तो, अभी यहाँ सुस्त दिख रहा है। नहीं, बहुत एक्टिव है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसे एजेंसी भी है
इतना बहुत देर से है ना, तो कुछ नहीं, बस इसका नाम क्या रखे आपने? इसका ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी इसके मतलब एक्टिविटीज पे है, हम लोग रखते हैं एक्टिविटी पे। पैर में चिपक जाएगा तो अच्छा। मतलब बहुत एक्टिव है ये, मतलब इतना इतना हाइट जंप कर जाता है, इतना हाइट तक जंप कर जाता है, मेरा आधा जंप कर जाता है। और ज़ॉम्बी का एज क्या होगा? अभी उसका 6 महीना, इसका 5 महीना। अच्छा, इसका 5 महीना एज है। नहीं, 5 मंथ में इसका जो मतलब हुआ है ना, साइज अच्छा लग रहा है। हाँ वही तो बात है।